लिख बहुत है यार, इधर बच्चे देखो भाई। ओह ना, इसके साथ मैं भी मैचिंग करके आया हूँ आपको। इसका कलर है ऑरेंज कलर पहन के आ रहा हूँ और ये नीचे ग्रे है, तो देख रहे होगे कि मैं। और पहली बार इतिहास में कोई ऑरेंज कलर की वंदे भारत आ रही है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे। ऑरेंज वाली वंदे भारत की अलग ही बात है, इसको जितना देखो उतना कम है यार। खा रहा है अभी, दानापुर भी नहीं आया। ये देखो एयरपोर्ट अभी दिख रहा होगा पटना का आपको, अभी 130 खींचनी है इसने। अंदर सफर करने में इतना अच्छा नहीं है, बाहर देखने में जो मजा है ना अलग ही लेवल का। अंदर आठ बजने के करीब टाइम आ रहा है, सर आवाज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पा रहा है और स्कूल के स्टूडेंट्स के भी उस साइड अपने हैं, थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है। और ये है जी वो ट्रेन जिसके लिए मैं इतनी दूर 2 दिन से ट्रैवल करके आ रहा हूँ। परसों का घर से निकला हूँ, कल रात को पहुँचा था अपनी 22345 पटना गोमती नगर, बेसिकली लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत अभी बिहार की कैपिटल पटना से जाऊंगा लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल। और मतलब इससे पहले तक ना बिहार की जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे बिहार स्टेट कैपिटल है, अपने नेबरिंग स्टेट्स की स्टेट कैपिटल के बीच में कनेक्टिविटी सिर्फ अब इस ट्रेन की वजह से सभी स्टेट की कनेक्टिविटी वो पूरी होने वाली है नेबरिंग स्टेट की स्टेट कैपिटल से। जैसे कि यार थोड़ा नर्वस जरूर हूँ, बाकी चलो पीछे देख सकते हो पूरा स्टेट सजाया हुआ है। आगे की ओर ही बेसिकली पहले 3 कोचेज जहाँ पे ना वही थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेट किया हुआ है, पीछे वाली साइड में देखोगे तो वो तो नॉर्मल ही रहेगा जैसा अमृतसर वंदे भारत में हुआ था। बाकी चलो अब एंड तक बने रहना, अब मेरे हम सफर बन जाओ इस जर्नी में, वंदे भारत की जर्नी में, मतलब ऑरेंज वंदे भारत की जर्नी में पहली बार किसी मतलब कर रहा हूँ। और इवन दो मैं लाइव पहली बार किसी ऑरेंज वंदे भारत को देख रहा हूँ, इससे पहले देखने का मौका नहीं मिला था। तो वैसे ये वंदे भारत जैसे ऑरेंज वंदे भारत है, मैंने बोला मेरी पहली वंदे भारत था, तो थोड़ा थोड़ा ना इसके साथ मैं भी मैचिंग करके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे ऑरेंज इसका कलर है, ऑरेंज कलर पहन के आ रहा हूँ और ये नीचे ग्रे है, तो देख रहे होगे कि मैं ग्रे शर्ट पहनी है। नीचे वाला इतना नहीं है लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करके आया, थोड़ा कॉमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा हूँ, साथ साथ मैच कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। अभी 8:26 हो रहे हैं और मेरे को पास अभी मिल चुका है, वैसे अब जाके मैं लेकर आया हूँ 5 मिनट पहले बाहर से जाके, क्योंकि देखो पास का ना एक्चुअल में क्लियर नहीं था कल भी, अभी कुछ पता नहीं लग रहा था पास कहाँ से लेने क्या होने हैं। और ये हर ही नौकदल पे होता है, कहीं मतलब कहीं में नहीं भी होता, अमृतसर वाली में तो आराम से मिल गया था, इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि यहाँ पे ना लिस्ट वगैरह का कुछ सीनियर था, मतलब सीनियर था लिस्ट वगैरह में ना पहले मेरा नाम आया नहीं एक्चुअल में, तो वो नाम ढूंढ रहे थे, नाम देंगे उस फिर आपको पास देंगे। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ पे कोई था जो अरेंज कर रहा था, उनको उन्होंने शायद हो सकता मेरी वीडियो देखी होंगी तो वो मेरे को पहचान गए होंगे, तो फिर 10 मिनट वेट करने पे मेरे को दे दिया उन्होंने पास, तो मैंने तब जाके चैन की सांस ली। लेकिन नहीं तो अब तक मेरा अभी यही नहीं श्योर था कि पास मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलो जो भी केटरिंग का जो सामान है IRCTC वाले अभी लोड कर रहे हैं और बाद में जाके हमको मिलेगा। वैसे C3 में बोला गया मेरे को बैठने के लिए अंदर जाके, और C3 C4 ये आई थिंक ये है C3, तो सही है भाई। ऑरेंज वंदे भारत देने जा रहे हैं आप आज, अभी इसको वंदे भारत की इंटीरियर देखते हैं पहले, मतलब यहाँ से तो नॉर्मल ही होगा मुझे जो लग रहा है, नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। अंदर जाएंगे तो बटन दबाने पे गेट खुल जाएगा और बिल्कुल अमृतसर वंदे भारत जैसा ही इंटीरियर है इसका, जैसा वो था वैसा ही सेम ये है। सीट का कलर भी बिल्कुल सेम ही है, AC चेयर कार में हूँ ना मैं अभी, 3x2 का इनका, इधर 3x2 का है, मतलब बिल्कुल सही है। मतलब आपको क्राउड इतना मिलेगा ना इस गाड़ी के लिए, बहुत भीड़ रहने वाली है और कमर्शियल रन पे मुझे लगता है इतना भर के ही जाएगा गाड़ी। पहले मैंने दिखाया था आपको AC चेयर कार, ये है इस गाड़ी का एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इस साइड पर तो खाली है, आगे भरा हुआ है। चलो जो भी है एक बार लुक दिखा देता हूँ क्लोज करके। नीचे तो वही चार्जिंग सॉकेट और USB वाला पोर्ट भी पर पर्सन के लिए दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है। और ये है सीट्स की, काफ़ी सॉफ्ट सीट्स हैं और अच्छे से रिक्लाइन होती है। वैसे ये बटन इसका रिक्लाइनिंग के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, बटन दबाएंगे तो सीट पीछे ऐसे हो जाएगी, आई थिंक ऐसे ये हैंडल इसका इस साइड हो जाएगा और ये इसके नीचे ना एक पैडल भी लगा है जिससे सीट पूरी घूम जाती है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नीचे वाली साइड मैंने बोला पैडल जो लगा हुआ था, इसको प्रेस करने पे सीट पूरी आपकी उस साइड घूम जाएगी ताकि आप बाहर का व्यू अच्छे से ले सकते हो। ये तो हर वंदे भारत में होता है वैसे। चलो सब सेट हो चुका है, अभी बस ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 43 हो चुके हैं, मतलब 15 से 17-18 मिनट लगेंगे इसको निकलने में। और एक्चुअल में जो इसका आज का टेम्परेरी टाइम टेबल है जो है 9:00 यहाँ से निकलेगी और 6:15 गोमती नगर उतारेगी आज शाम को।
वैसे ये जो इसके एक्चुअल स्टॉप्स हैं ये वहीं पे रुक रही है। एक तो होता है ना इनॉग्रल पे एक्स्ट्रा स्टॉपेजेस दिए जाते हैं, आज वैसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ से सीधा आ रहा बक्सर, निंदल उपाध्याय, बनारस, अयोध्या, सीधा गोमती नगर। बाकी चलो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं, मैंने देखा यहाँ ECR के जो GM है वो भी आए हुए हैं, आई थिंक वही फ्लैग ऑफ करेंगे इसको। और 9 बजे आई थिंक भारत के कई अनेक हिस्सों में वंदे भारत एक्सप्रेस आज लॉन्च हो रही है, यानी टोटल मान के चलो 10 वंदे भारत आज एक साथ चलाई जा रही है। चलो गेट तो बंद हो ही चुका है चलने से इसके तकरीबन 1 मिनट पहले, यानी 8:59 हो चुके हैं। चलो गेट गेट वगैरह तो बंद करने को काफ़ी टाइम होगा, अभी तो 9:30 हो चुके हैं। गेट कभी पीछे वाला खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, कब से मुझे लगता है यही होता है, जैसा अमृतसर वाली में हुआ था वैसा ही हो रहा है। अभी जब तक मतलब वो इनॉग्रेशन सभी का एक साथ होना है तो टाइम लग ही जाएगा जिस हिसाब से। बाकी मैं तो पीछे वाली सीट मैंने बुक कर ली थी अपनी, सबका यही होता है, सबने अपने हिसाब से अपनी पसंद वाली सीट पर आके बैठ चुके हैं कब्जा करके। हॉल में आज टोटल 10 वंदे भारत का इनॉग्रल है इसको, और जिसमें से 3 तो रिवर्स ही चल रही है, जैसे मुंबई अहमदाबाद होगी, मैसूरू चेन्नई होगी, विशाखापट्टनम सिकंदराबाद, ये तो 3 चलो रिवर्सल होगी। चौथी ये वाली एक जो पटना से लेकर लखनऊ, एक देहरादून से लखनऊ, 5 ये हो गई। जलपाईगुड़ी से पटना वाली वो भी चल रही है आज, और फिर और जलपाईगुड़ी पटना है, और रांची से बनारस के लिए वंदे भारत भी चल रही है, और दिल्ली से खजुराहो वगैरह, ऐसे मिलाकर टोटल 10 वंदे भारत वगैरह चल रही हैं। और जो एक्सटेंड वंदे भारत हो रही, 4 तो एक्सटेंड हो रही है उनमें से। पहली जैसे दिल्ली से अजमेर वाली वो चंडीगढ़ तक, आज उसका चंडीगढ़ से इनॉग्रेशन है, और दिल्ली से लेकर दिल्ली बोल रहा हूँ बेसिकली अहमदाबाद से जामनगर वाली वो ओखा तक हो रही है, और एक मतलब त्रिवेंद्रम से कासरगोड वाली वंदे भारत उसको मैंगलोर से मतलब बैंगलोर से आज दिखाएंगे तो मैंगलोर तक हो रही है। और जो एक वंदे भारत एक्सटेंड हो रही है वो है अपनी गोरखपुर से लेकर लखनऊ जो चलती थी वो प्रयागराज तक हो रही है। पास में मुझे लगता है रेलवे के इतिहास में मुझे लगता है कि इतनी पहल ये इकलौता ऐसा दिन होगा जब वंदे भारत भी हो रही है, DFC वगैरह भी लॉन्च हो रहे हैं, एक्सटेंड भी हो रही है, इतनी सब चीज़ें एक दिन में हुई हूँ। चलो 9:41 गाड़ी निकलेगा, लगभग 40 मिनट लोग देखो बाय कर रहे हैं ट्रेन को भाई। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल ही है वंदे भारत में, ऐसा ही होता है। और जब भी कोई वंदे भारत सोर्स से निकलते हैं इनॉग्रल पर वैसा ही हाल होता है कोच का, सब लोग इस वाली विंडो पे इस साइड पे काफी क्राउड है, मेन स्टेज यहीं पे लगा हुआ था, देख सकते हैं जो मेन स्टेज है वो यहीं पे लगा हुआ था, और ये ट्रेन अपनी लाइन निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। चलो एक साथ 10 वंदे भारत का इनॉग्रल आज हो चुका है फाइनली, हम लोग पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है भाई। PF वाले सर तक लगे हुए इसका वीडियो बनाने। बाकी चलो पटना जंक्शन से निकलने के बाद सबको ऐसे एक कार्ड पास टाइप दिया जाता है, जिसमें एक कार्ड है वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से गो। वैसे है तो ये जो अंदर वाला कार्ड है ये तो पूरा एक तरह से ATM कार्ड टाइप लग रहा है, पूरा ATM कार्ड ही है एक तरह से ये लोग। वो भाई एक्सेलरेशन देखो आप लोग, हाँ ये देखो भाई देख लो 126 दिखा रहा है, अभी दानापुर भी नहीं आया, ये देखो एयरपोर्ट अभी दिख रहा होगा पटना का आपको, अभी 130 खींचनी है इसने, क्या लग रहा है भाई, उम्मीद नहीं थी इसकी। वैसे दानापुर आई थिंक नेवरा के बाद खींचते होते वैसे 130, अभी से हो गया इसका। ये देखो भाई 130 मतलब यहीं से खींचा हुआ इन लोगों ने, अभी तो बस एयरपोर्ट ही निकला है कैसा भाई यार, अभी तो दानापुर आएगा, और वो वाली लाइन यहाँ से एक पाटलिपुत्र वाली बाईपास लाइन ये गई है, अभी देखो 130 पे पाटलिपुत्र बाईपास लाइन से अभी निकल रही है। LP सर ज़्यादा ही जल्दीबाजी में लग रहे आज, बाकी दानापुर को भी गाड़ी 130 पे स्किप कर रही है, सही है यार। ओ भाई
दानापुर 130 नहीं है, ये 110 है एक्चुअल में। चलो दानापुर पे 110 पे आइए गाड़ी। चलो हम पानी वगैरह दे दिया था और अभी उसके साथ जो केटरिंग के मैनेजर है वो भी सामने खड़े हैं और सबका जूस के साथ। और चलो दानापुर निकलने के बाद सबका जूस से वेलकम किया जा रहा है, मैंगो ड्रिंक। अभी हमको ब्रेकफास्ट में मिलेगा वैसे, कि मैंने मुझे नहीं लगता जो भी लोग अभी आए हैं वो ब्रेकफास्ट करके आए होंगे, और मैं भी ब्रेकफास्ट करके नहीं, बस दो तीन बनाना खाए थे सुबह से ऐसे ही आया हूँ। सोन नदी अभी आई थी, अभी सोन नदी को अभी पार कर रही है और हमको अभी ब्रेकफास्ट किट अब जाके सर्व हो रही है, लेके आ गए भाई जो कि स्नैक्स अपना होने वाला है आज का। चलो भाई देख लो, अभी वैसे भी सुबह से तो कुछ खाया नहीं था। चलो यही है, बाकी वो कप दे गए थे आई थिंक, इसमें टी हमको सर्व करेंगे बाद में। इसमें तो अभी एक आपको आलू भुजिया मिल जाएगा और एक कचौड़ी है, एक टी किट आपको मिल जाएगी, ये वाली कार्डमन वाली इंस्टेंट टी वही जो मिलती है वंदे भारत वाली। बाकी एक इसमें ये सिंगल्स का एक केक है और बाकी तो चलो टमाटोस, केचप और सैनिटाइज़र कचौड़ी और नैपकिन है। देखो भाई अभी 10:15 हो रहे हैं और गाड़ी हमारी आरा के बाहर भी आ चुकी है। हम लोग 9:42 पे निकले थे, ये सब भी नहीं खाया गया और आरा के बाहर भी आ गए। इतना अच्छा पिकअप लिया इसने, तो फर्स्ट स्टॉप आरा आ गया इसका और लास्ट प्लेटफॉर्म पे है गाड़ी। यार वैसे गाड़ियाँ आती हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ जो मेन गाड़ियाँ होती हैं, इसको अलग से इस साइड पे लाया गया है। चलो ये यही आरा पे मोटा मोटा मान के चलो ये 40 लगाए इसने पटना से लेकर आरा के बीच में, फिर भी ठीक है, काफ़ी क्राउड है यार उस साइड पे तो, पब्लिक बहुत है यार इधर, बच्चे देखो भाई। ओह यार हम अंदर हमारी सीट ऐसे ही बैठी हुई है, ये लोग अब अंदर जाएंगे, कोई स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ आए, मुझे लगा पटना पे ही आए लेकिन यहाँ पे भी चढ़ रहे हैं यार। और देखो यार ऑरेंज वंदे भारत यार लग रही है यार अच्छी धूप में, एक्चुअल में लाइटिंग अच्छी खासी अभी आ रही है, पटना पे तो अच्छी खासी लाइटिंग भी नहीं थी यार, क्या लग रही है यार इतना, इसको जितना देखोगे उतना कम है इस वंदे भारत, ऑरेंज वाली वंदे भारत की अलग ही बात है, इसको जितना देखो उतना कम है यार। और आगे वाली साइड पर टेंट लगा हुआ है, जो भी मेन प्रोग्राम होता है हर चंद पे वो आगे वाली साइड ही होता है। चलो गेट तो बंद भी हो गया अंदर वाला, अब ऐसे ही फंसे रहेंगे सब लोग। चल चुकी थी और यहीं पे आई थिंक आरा के सांसद मेंबर थे वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने शुभारंभ किया इसका। और हर जहाँ पे स्टॉप है वहाँ पे वही है वो आरा के सांसद, सांसद जी हैं। अच्छा है आज, चलो ये तो चलता ही रहेगा, पहला स्टाफ है और यहाँ पे भाई साहब ये देखिए आ रहा। चलो ये सब चीज़ ये नहीं पता, शायद हो सकता कोई रह भी गया हो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है भीड़ थी यहाँ पे। मेन लाइन पर है, एक्सेलरेशन चेक करना जरा आप इसका, एक्सेलरेशन तो अभी शुरू हो गया इसका, ये देखना पूरा टोटल खींचा हुआ है ना, पूरा नॉज हो गया, पूरी नॉज खींची हुई है, 100 130 जाएगी हमारी ट्रेन। आ गया 130 पे पूरा, 30-35 लगे होंगे इसको। चलो यही था भाई वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पे डिलेर कोचिस थे, चलो अब तो निकल गया। बिहार में भी मैंने देखा हरे भरे खेत है इस साइड पे पूरा, ये सारी गेहूं की फसल होगी पड़ी यहाँ पे, और अभी 13 अप्रैल आएगी तभी इसकी कटाई होगी, पंजाब साइड में उसको विसाखी का त्यौहार बोलते हैं, सारी फसल हरी वाली पीली हो जाएगी। तो अभी 11:03 हुए हैं, अभी बक्सर आई है सेकंड स्टॉप,
अक्सर में भी काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं यार। मैं जितनी बार भी बाहर आया हूँ ना, अभी दूसरा स्टॉप भी आया, मेरी इससे नज़र नहीं हट रही यार। बक्सर BXR कोर है कि आगे की ओर लगा हुआ है, टेंट वगैरह जैसा आ रहा था वैसा ही है। अभी सिग्नल हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं अंदर ही चलता हूँ भाई, अंदर ही जाने में भलाई है। आ जाओ। गेट तो वैसे 2-3 मिनट हो गए बंद हुए, चलिए आप आ जाके, काफी टाइम रुक गई यहाँ पे। बक्सर का स्टेज तो इस साइड हुआ था, चेयर इस साइड लगी हुई थी, लोगों में आप सांसद यहाँ से दिख रहे, आई थिंक वो आगे होंगे, वहाँ से झंडी दिखा रहे हैं, टेंट से नहीं दिखाएंगे इस साइड पे। ये लोग इतने खुश है, बक्सर रेलवे स्टेशन पे इस घंटों पे है, जो बक्सर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लोग अपने कैमरे देखिए, यहाँ पे हाथ हिला करके पूरा भीड़ हुजूम हो चुका है भाई। कौन सी ट्रेन है? अहमदाबाद बरौनी। चलो कुछ टाइम पहले बक्सर से निकली है, मतलब बक्सर तक आते आते इसने 118 किलोमीटर कवर कर लिया था। और इसको टाइमिंग देखो, निकली थी ये गाड़ी कुछ 9:42 पे और बक्सर आया कुछ 11:10 पे ऐसे, मतलब मोटा मोटा मान के चलो इसको 1 घंटा 20 मिनट कुछ लगा होगा मतलब पटना से लेकर बक्सर तक। तो ठीक है यार, बहुत अच्छा उस हिसाब से, क्योंकि अब यहाँ से सीधा जैसे दीनदयाल उपाध्याय है, इसको उसमें दिया हुआ कुछ 1 घंटा 15 मिनट कुछ टाइम दिया इसको यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय है। वैसे लेट चल रही है लेकिन मेरे को लगता है कवर करेगी ये गाड़ी, तो उस हिसाब से ज़्यादा टाइम दिया। और इतना अभी 11:35 हो रहे, गाड़ी दिलदार नगर पे तो आ भी चुकी है, थोड़ा स्लो हुई है फिर भी ठीक ठाक अच्छा खासा खींच दिया इसने। आई थिंक पहला अनशेड्यूल्ड हॉल्ट हो सकता है ये इसका, जब से पटना से चली है ये गाड़ी। दिलदार नगर जंक्शन, दिलदार नगर पे वैसे हॉल्ट था नहीं इसका, लेकिन इसको ऐसे रोक दिया गया है। अब मेरे को नहीं पता, हो सकता आज के लिए वैसे कर दिया गया हो, गेट तो कुछ खुल दिया है। मतलब ऑफिशियली यूपी में है दिलदार नगर, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा मैं रुकूंगा नहीं, हॉकिंग भी हो चुका है इसका, गेट पता नहीं कभी भी बंद हो जाएगा। पीछे आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स उतरे तो उसके लिए मुझे लगता है यहाँ पर रोकी गई होगी गाड़ी। बढ़िया है, तो ये थी छूट, बाकी वो लाइन आ रही है अभी गया साइड से, धनबाद साइड से, और 12:04 हो रहे, गाड़ी हमारी दीनदयाल उपाध्याय के पीछे आ चुके। अभी तो चलो फिर भी 15 मिनट लग ही जाएंगे अंदर एंटर होते होते इसको। वैसे मैं सोच रहा था उस साइड से कोई पैलर मिल जाता, लेकिन अभी कोई गाड़ी नहीं है वहाँ के लोग। जनरल का हाल देखो भाई, स्लीपर का भी सेम ही है, एक ही बात है जनरल, जनरल बहुत जबरदस्त। वैसे मुश्किल से इस गाड़ी ने 2 घंटा 25 मिनट लिया होगा और अब गाड़ी आई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे को उम्मीद है कि गाड़ी 5 मिनट रुक जाए, लेकिन मेरे मन में डर फिर भी बना ही रहेगा कि यार गाड़ी कहीं निकलना जाए, मैं तो मुश्किल से 2 मिनट ही बाहर रहूँगा यार। अगर ज़्यादा रश रहा आगे चल के, यहाँ नहीं चली सिग्नल नहीं हुआ, फिर सोचता हूँ कि बाहर ही रुकूँ, तो अंदर आ जाना मैंने यार, क्योंकि ऐसा ही होता है वंदे भारत में कोई भी ट्रेन ऐसी जिसके गेट ऑटोमेटिक है ना, मेरे को रिस्क रहता ही रहता है। और ये गाड़ी, हाँ जब तक गाड़ी बिफोर ना आ जाए, ये तो बिफोर है भी नहीं, ऐसे ही 15-20 मिनट लेट ही आई है ये गाड़ी। थोड़ा बहुत कवर जरूर किया हाँ इसने, क्योंकि पूरे रन पे इनको स्लैक थोड़ा दिया हुआ था उसने। यहाँ पे भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं यार, मेरे को वैसा लगा था सिर्फ पटना से ही चढ़े हैं बाद में उतर जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी आई थिंक हो सकता है चढ़े हैं। इसी रेलवे इंटर कॉलेज ऐसे ही लिखा हुआ है। चलो चलो आ गए भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे, मतलब ये पहली नहीं बोलूँगा, बेसिकली ये वाली और रांची बनारस वंदे भारत, आज वो दिन है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी एक वंदे भारत मिल चुकी है। वैसे रांची बनारस वाली वो शाम के 3:30-4 के करीब आएगी, और हमारी बात तो चलो अभी आ चुकी है। मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, मैंने आरा बक्सर में भी बात बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे को अंदर से इतना अच्छा नहीं लग रही देखने में जितनी बाहर से अच्छा लग रहा है। अंदर सफ़र करने में इतना अच्छा नहीं है, बाहर देखने में जो मज़ा है ना अलग ही लेवल का। अंदर बाहर आगे चल के ढोल वगैरह भी कुछ बज रहे हैं। चलो अभी आगे भी देख ही आता हूँ क्या हो रहा है, अभी मौका मिला बड़े स्टेशन पे रुकी है, हो सकता है ज़्यादा ही रुके। आगे तो काफ़ी रेलवे के ऑफिशियल्स आए हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय एशियाज लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है यार, और 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है,
इस रूट का तो काफ़ी बिजिएस्ट जंक्शन है ही है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है बेसिकली, उत्तर प्रदेश के यूपी में पहला हॉल्ट है हमारा। और देखा जाए तो इस गाड़ी का ना यहाँ पे अलग ही तरह से स्वागत हो रहा है। आगे बहुत भीड़ है यार, आगे मतलब जाने भी यार ऐसा नहीं कहूँगा, भीड़ बहुत है ना, एक तो यार वेट बहुत करना पड़ता है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आप ऊपर से जाने का भी फ़ायदा नहीं है यार, जब डिपार्चर करेगी तब अपने आप दिख जाएगा। यहाँ से चार रूट अलग हो जाते हैं, एक हम लोग जहाँ से आ रहे हैं यानी पटना लाइन से, गया लाइन मैंने दिखाई थी आ रही है सामने, सीधा जाएंगे हम लोग, सीधा नहीं बेसिकली राइट मुड़ेंगे हम लोग वाराणसी जंक्शन की ओर, और एक यहाँ से मेन लाइन जो जा रही है प्रयागराज कानपुर होते दिल्ली लाइन, बेसिकली हावड़ा दिल्ली लाइन उसको बोल सकते हो आप लोग, वो रूट यहाँ से अलग हो जाता है, मतलब बड़ा जंक्शन है काफ़ी। ढाई घंटों में हम लोगों ने अभी तक 226 किलोमीटर कवर किया, तो फिर भी ठीक है यार उस हिसाब से, नॉर्मल गाड़ी 3 घंटा लेती है। जब मैं कल गया था आई थिंक अर्चना में, तो उसने भी इतना ही लिया था, आई थिंक 5:50 पे निकली थी और 9 बजे पहुंची थी। चलो वैसे हॉन्किंग तो हो ही चुका है, और ये बात अच्छी लगी कि हॉन्किंग होने के बाद जाके इसका गेट खेलना भाई बंद होता है यार, फिर तो चलो होना भी चाहिए था कि लोगों को पता चल जाए। चलो दीनदयाल उपाध्याय में भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया था यार आगे की साइड में, तो मैं आप देख रहा हूँ पहले तो आने का टाइम ही नहीं लग पाया मेरे को, अच्छा है यार यहाँ पे भी। बाकी दीनदयाल उपाध्याय के बाद ब्रह्मपुत्र मेल लेट है, अब जाके आ रही है गाड़ी है। अरे और था ना जिंदगी में कोची देखो लड़का था, अपने बड़ोदा में जो उधर का था, कुमार का था, मैं वैसे पीछे वाली साइड से इस आगे वाली साइड पे हूँ ताकि पीछे वाला कर्व ले सकूँ, थोड़ा सा हल्का हल्का तो दिख रहा है। अभी जिस चीज़ का वेट कर रहे थे रिड्यू निकलने के बाद, अब वही चीज़ आने वाली है, मालवीय पुल यानी 130 साल के करीब पुराना रेल कम रोड ब्रिज, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कोई वंदे भारत इस मालवीय ब्रिज से अब निकलने वाली है, वो रोड वाला आ गया और ये रेल, जो कि मालवीय ब्रिज करीब 100 साल 120 साल पुराना अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल है, जो कि अपने डीडीयू और बनारस को क्या बात है, उठाओ यार। और ये अपना, बाकी आपको इस साइड पे 80 घाट देखने को मिल जाएगा, यही साइड है, रात में गंगा आरती देखने का अलग ही यहाँ पे मजा आता है यार, बढ़िया यार यहाँ, क्योंकि नीचे गंगा नहीं रहा है। काशी विश्वनाथ महाकाल की नगरी, काशी मतलब वाराणसी को घाटों का शहर भी कहा जाता है, अब मैं यहाँ से बता नहीं सकता कि वो घाट कौन सा, वो तो वहाँ जाकर पता चलता है। भाई बात देखिए, वो जो बोट चल रहा है ना नदी वो, बाकी 80 घाट तो चलो यही था, और काशी विश्वनाथ टेम्पल भी आपको इसी साइड देखने को मिलेगा, यहाँ से थोड़ा आगे है, यहाँ से ऐसे प्रॉपर नहीं दिखेगा, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर पाऊँ शायद उस साइड पे होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कहीं वहाँ कहीं जाके होगा। साफ सुथरा पानी देखिए, कितना सारा बोट लगा हुआ, और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट का नाम, और वो देखो भाई ये है वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग स्टेशन, यहीं पे मिलेगा आपको, कई बार देखा है मैंने इस साइड पे। चलो बाकी ये है यार, यहाँ का नज़ारा अलग ही होता है, इस जगह की बहुत वैल्यू है। यहाँ पे आपको काशी का भी एक छोटा सा टेंपल, काशी विश्वनाथ टाइप उसका एक छोटा सा टेंपल यहाँ पे दिख जाएगा, काशी रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म स्किप कर रहे हैं काशी पे, तो यही है वो हल्का सा उसी टेंपल के टाइप बनाया हुआ ये वाला। देख लो भाई अभी वैसे 1 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है, गाड़ी
वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अराइव कर रही है। रेलवे स्टेशन पूरा, वहाँ से भी काशी विश्वनाथ टेम्पल टाइप बना हुआ, वहाँ से आगे वाराणसी। वैसे आज के दिन में, इनॉग्रल के दिन में इसका 12:55 का टाइमिंग था, और लेकिन ये गाड़ी अभी 1:10 के करीब आई है, तो फिर भी 15 मिनट ही डिले, और इसने काफ़ी टाइम कवर किया। एक्चुअल में इसका 9 बजे का डिपार्चर टाइम था, वहाँ से 9:41 मतलब 45 मिनट लेट डिपार्चर लेके भी इसने लगभग टाइम कवर कर लिया। ज़्यादा डिले है नहीं यार। चलो आज तो फैसले भी इनॉग्रल है, और आगे वाली साइड, इस साइड पर स्टेज लगाना है यहाँ पर। वाराणसी में यहाँ इस ट्रेन का लंच बोर्ड किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमको सर्व भी किया जाएगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन को भी अच्छे से सजाया गया यार, बढ़िया है। तो भाई बंद होने लग गया भाई, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं गाड़ी है वाली। बंद हो गया भाई, बंद हो गया। गेट खराब हो जाएगा, तो गेट खराब हो जाएगा। चलो अब जाके बंद हो जाएगा, ये लोग तो जनरल गाड़ी बना देंगे। चलो यहाँ पे भी यार काफ़ी अच्छे से टेंट वगैरह लगाया गया, अच्छा अरेंजमेंट था, हर जगह अरेंजमेंट अच्छा ही हो जाएगा। चलो निकल तो गई गाड़ी वाराणसी से। देखो मेरे को नज़दीक, मैं जैसे लुधियाना से आया था, परसों निकला हुआ था घर से, कल रात को पहुंचा था आज इस गाड़ी के लिए। मेरे को वैसे देहरादून वंदे भारत भी आज लॉन्च हुई है देहरादून से लखनऊ के लिए, मैं वो भी पकड़ सकता था, उसका पास का मेरा हो गया था, इसका उसका पता नहीं था कि मेरा पास होगा कि नहीं होगा, हार्ड ब्रेकिंग लग रहा है, तो मैं उसको छोड़ के इसमें आया हूँ इतनी दूर। वो किस लिए? क्योंकि ये गाड़ी काशी को अयोध्या से जोड़ने वाली है, तो इसका मेरे को था कि इसका ज़्यादा क्रेज़ होगा इस टाइम पे, तो मैं उस वजह से इतनी दूर आया इसके लिए। वंदे भारत वाराणसी जंक्शन से दोस्तों था, अभी तो वाराणसी के इस कर्व पे आई है, और अगला स्टॉप हमारा जो है अयोध्या धाम है। सीधा यहाँ पे दिखा रहा 186 किलोमीटर, अब सीधा 186 किलोमीटर बाद रुकेगी, और 130 नहीं मारेगी, अब सीधा 110 पे ही चलेगी पूरे रास्ते लखनऊ तक। भाई मैंने देखा है इस गाड़ी का जो केटरिंग स्टाफ है बहुत हार्ड वर्किंग है। आई थिंक हम लोग क्योंकि एक तो आखिरी में बैठे ना, तो सबको आगे से जब सर्व हो जाता है उसके बाद ये हमारे पास ये लेकर आए हैं। ये है वेज इसका लंच, वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी रोड हुआ कि हम लोग एक तो बैठे आखिर में ना भैया, अब तक मतलब 6 से 7 बार चक्कर लगा चुके हैं। आई थिंक ये 1, 2, 3, 4 ट्रे को एक साथ लाते हैं, तो 4 करके कितने चक्कर लगेंगे शुरू से लेकर अंत तक। सीटें सब भरी भरी, आप सोच सकते हो। सल्यूट है यार इनको, एक तरह से इसका लंच। वैसे मैंने हाथ लगा के देखा है इसका, तो भाई परांठे फिर भी गर्म लग रहे हैं, और इसका मेरे को ये वाला थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा कुछ खास। अभी गुलाब जामुन देख ही सकता है स्वीट में, वो देखो खुला हुआ लग रहा है, आप देख सकते हो क्या हो सकता है। मेरा भी सेम ही होने वाला, दाल पनीर और मिक्सर की सब्जी, और चावल तो पुलाव है, नॉर्मल चावल नहीं है, दही मिलेगा, और दही के लिए ना इन लोगों ने अलग स्पून दिया, ये छोटा वाला आइसक्रीम खाने वाला, ये सही लगी। बाकी पराठे भी गर्म है, एक बार खोल के देख लेता हूँ फिर एकदम से रिव्यू करूँगा। पहले ये जफराबाद जंक्शन अभी आया है, यहाँ पर हम लोग इस तरफ गुवाहाटी ओखा खड़ी इसको तो ओवरटेक कर रहे हैं, और उस साइड पे वहाँ खड़ी हुई है आई थिंक हाँ लोकमान्य तिलक से गोरखपुर जाने वाली, ये क्रॉसिंग कर रही है और इसको ओवरटेक कर रहे हैं। मैं सुबह पटना रेलवे स्टेशन पहुंचा था 7:45 के करीब, जब मैं पटना रेलवे स्टेशन एंटर किया था बैक साइड से, तब इस ट्रेन की उस टाइम पे अनाउंसमेंट हो रही थी पटना जंक्शन पे, हमारी गाड़ी इससे तकरीबन आई थिंक अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मान के चलो अगर ये गाड़ी 8 बजे भी निकली होगी, तो हमारी गाड़ी निकली है 9:41 पे, 8 बजे भी नहीं, 8 बजे से तो पहले ये गाड़ी निकली हुई है, और अब जाके हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं। सोचो इसका कितना टाइम दिया हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस वडोदरा P7 के साथ सिंगल आर्म हाई राइज। चलो एक मेल एक्सप्रेस को तो ओवरटेक किया हमने एक बार। अभी आपको ना अभी इसका वॉशरूम दिखाता, वॉशरूम में मैंने देखा काफ़ी मॉडिफिकेशन किए हैं इन लोगों ने। सबसे पहले तो आपको आगे वाली साइड में एक मिरर मिलेगा, वो तो होता ही है। यहाँ पे कोई भी अगर आपको टॉवल है छोटा सा वो टांगने के लिए, या कोई भी कपड़ा है वो लटकाने के लिए, अलग चीज़ आपको बताता हूँ।
ये तो पानी चलो दबाने पे आएगा ही आएगा, ये सोप डिस्पेंसर है, ये हाथ सुखाने के लिए। यहाँ पे इसके पास लेके जाना है आपको हाथ, गौर से देखना जरा, ऊपर लेके गया ये सोप आ गया, ठीक है ये आ गया सोप, इससे हाथ धोता हूँ मैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करके हाथ धो गया। अभी हाथ को सुखाने के लिए ये हो गया, मतलब इस पूरे प्रोसीजर में अगर आपको हाथ धोने हैं बस इसको टच करना पड़ेगा आपको, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को बाकी टच करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के 8 मिनट हो गए हैं, अभी गाड़ी जफराबाद से निकल रही है जौनपुर, इसका अगला स्टेशन ही बनता है वहाँ पर आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है यहाँ पर भी किसी गाड़ी को तो ओवरटेक करेगी, यहाँ कोई खाली रेक लगा हुआ उस साइड पर, खाली रेक है इसका स्टेशन को, JNU है इस रूट का बड़ा स्टेशन आप इसको कह सकते हो। जौनपुर जंक्शन, अभी गाड़ी ने वैसे एक्सलरेशन करना शुरू कर दिया है, और वो वाली लाइन जो आप देख रहे हो ना वही जाती है ओणिहार साइड, जो कि आगे चल के गाजीपुर साइड निकल जाएगी आगे। वैसे 2:30 बजे से तो ऊपर टाइम हो गया था, गाड़ी अभी शाहगंज को स्किप कर रही है गाड़ी, यहाँ पे भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे हम लोग। मऊ गोरखपुर, मऊ आनंद विहार है ये, पिछले आधे घंटे से यहीं खड़ी हुई है हमारी वजह से। चलो इस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग, मऊ ANVT ये भी लग रहा है। कहाँ पहुँची है? शाहगंज। चलो शाहगंज से तो बाहर आ चुकी गाड़ी, बाकी शाहगंज से ये वाली जो लाइन दिख रही होगी जंक्शन है, क्योंकि एक लाइन वाराणसी से तो आ रही है, हम लोग अयोध्या की ओर जा रहे हैं, और ये वाली लाइन मऊ से आ रही है यानी आजमगढ़ से हो करके, और ये जो गाड़ी पीछे हमने ओवरटेक की वो यहीं से आई थी, यहाँ से रिवर्सल लेके और हमारे पीछे पीछे आएगी। नहीं उस बिलमोरा के दून वो वाले वर्जन में भी नहीं है, दून एक्सप्रेस ज़्यादातर जैसे मान लो 250 फाइल मैंने इम्पोर्ट किया तो क्या करेगा, 30-40 फाइल वो छोड़ देगा। तो देखो भाई अभी 4 बजने को टाइम आ रहा है, गाड़ी वैसे राइट ही हो चुकी है, और पहली बार इतिहास में कोई ऑरेंज कलर की वंदे भारत आ रही है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे, यही एक मेन स्टॉप मैं मान सकता हूँ, और वहाँ पे क्या रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है, पूरा 5-स्टार होटल है यार इसके ऊपर, अब यहाँ पर है असली इसका स्वागत होने वाला है। लगभग टाइम तो इसने कवर कर ही लिया, बस 5 मिनट का गैप होगा इसके एक्चुअल टाइम है यार सही से, और यही है राम जन्मभूमि अयोध्या में। मैं तो मतलब जब राम मंदिर खुला उसके बाद पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, लास्ट टाइम दिवाली के आसपास आया था गंगा सतुली में, और ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग ही बहुत अच्छी है यार, बढ़िया है आप देखो तो भैया क्या लग रहा है, और इस साइड से भी देखोगे ना पूरा 5-स्टार होटल टाइप लग रहा है पूरा रेलवे स्टेशन भी, क्या रेलवे स्टेशन है। तो मैंने देखा यार इसका हॉन्ग बाद में हुआ, गेट बंद होना शुरू पहले हो गया था, लेकिन रोकना चाहिए थे यार यहाँ पे तो कम से कम 5 मिनट रोकना बनता था, आज देखे दिन तो रोक देते, वैसे भी गाड़ी बिफोर पहुँच जाएगी जिस हिसाब से चल भाई गाड़ी ना, अंदर से बैठे बैठे मैं अपनी ट्रेन को देख सकता हूँ, बाहर देखोगे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है हमारी गाड़ी के शीशे में, क्या लग रही है बढ़िया यार। एक रिएक्ट होगा कि गाड़ी यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकी, ज़्यादा देर रोकना चाहिए था वहाँ पे लगा था स्टेज यार, वैसे यार मैंने देखा मेरे को लगा था यहाँ पे ज़्यादा स्वागत होगा, यहाँ पे नहीं हुआ ज़्यादा इसका, उनका यहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए था इसका। और रेलवे स्टेशन भी मैंने देखा है पूरा नीट एंड क्लीन है अभी तक, बढ़िया यार ये यार रहने के लिए बढ़िया यार। अयोध्या धाम, अयोध्या धाम जंक्शन, लास्ट टाइम आया था तब ये अयोध्या जंक्शन था, धाम पहली बार देख रहा हूँ इसको,
बाकी अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन के आसपास आपको ऐसे एक पंडाल लगे जरूर दिखेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनको रहने के लिए दिक्कत ना आ पाए, भले वो आस्था स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं या किसी भी ट्रेन से आ रहे हैं। एक यहाँ पे भी लगे हुए और बैक साइड पे भी लगे हुए थे, तो ये अच्छी बात है यार, लोगों के रहने के लिए अलग ख्याल रखा गया यहाँ पे, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। इस साइड से फिरोजपुर धनबाद गंगा सतलुज एक्सप्रेस, ये भी डिपार्चर के लिए रेडी है। यहाँ से लास्ट टाइम इसी से अयोध्या आया था मैं, तो वहाँ पर इतना इसलिए बोल रहा था कि वहाँ पर रोकी नहीं थी ज़्यादा, इन लोगों ने रोकना चाहिए था। चलो वो तो चलो इनॉग्रेटर है, चलो ठीक है, कमर्शियल लाइन पर तो चलो 5 मिनट तो मुश्किल से रुकेंगी ना। तो एक चीज़ और मैटर भी करता फैक्टर कि पटना से अयोध्या मुश्किल से आई थिंक 2 ट्रेन हैं, एक तो कोटा पटना एक्सप्रेस है और एक आई थिंक फरक्का एक्सप्रेस है, वो भी वीक में कुछ दिन चलती, डेली कोई भी नहीं है दोनों में से, क्योंकि दिन ये आई थिंक सुल्तानपुर होकर जाती, बाकी 4 दिन आई थिंक अयोध्या होकर जाती होंगी या वाइस वर्सा ऐसा होता होगा। तो इस ट्रेन से मिलने के अब जो भी पटना से दीनदयाल उपाध्याय से लोग जो हैं अयोध्या उनका जाना आसान हो जाएगा, या बक्सर से या आरा से, मैटर करती है। और यही चीज़ कोलकाता के लोगों के लिए भी है आई थिंक, अयोध्या धाम के लिए भी या अयोध्या केंद्र के लिए एक ही ट्रेन है, वो भी कोलकाता जम्मू तवी, और उसका तो आपको हाल पता ही है, रुक रुक के आता है और पैक्ड रहता है, फ़ायदा उसमें है नहीं कुछ आने का, टाइम बहुत लेता है। तो यही है, अगर आप एक दिन पहले या सुबह सुबह कोई ट्रेन पकड़ो हावड़ा से, आ जाओ रात तक पटना, रात में स्टे करो, रात में डोरमेट्री या कुछ भी बुक कर लो पटना जंक्शन पे, सुबह वहीं से चढ़ो और दोपहर में भी, दोपहर से भी पहले आपको अयोध्या धाम ये गाड़ी पहुंचा देगी। ये भी चीज़ आप कर सकते हो, वापसी में भी सेम ऐसे फॉलो कर सकते हो, यहाँ से जाओ रात को पटना और पटना से सुबह आप जन शताब्दी या वंदे भारत पकड़ लो, या दोनों तरफ से वंदे भारत कर लो, आप आराम से कोलकाता से अयोध्या जा सकते हो। देख लो भाई, अभी वैसे 5:47 हो रहे, गाड़ी बिफोर टाइम ही अपनी डेस्टिनेशन गोमती नगर पे अराइव कर रही है, और वहाँ पे ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। क्या लग रहा है यार सनसेट देखने में, लो ब्राइटनेस में तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ के जो लेबर्स हैं, जो यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड है। कैसी लगी भैया ट्रेन? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। आओ देखो देखो, आओ भैया ट्रेन आगे देखो हैं, ये वापस जाएगी भी पता नहीं 1 घंटे या 2 घंटे में वापस भी जाएगी। देख लो अभी टाइम है, ये देखो सेल्फी ले रहे हैं, क्या लग रही है। 541 किलोमीटर इसने कवर किए हैं पटना जंक्शन से लेकर गोमती नगर तक वाया अयोध्या, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो गाड़ियाँ वाया प्रतापगढ़ होकर जाती। देखो मैं कल अर्चना में गया था, अर्चना टोटल कवर करती 527 यहाँ से लेकर पटना जंक्शन तक वाया प्रतापगढ़ साइड में, और उसने लगभग 10 घंटे से भी ऊपर टाइम ले लिया था। कल मैं 10:45 बैठा था और रात को 9 बजे पहुँचा था। इस गाड़ी ने मुश्किल से 8 घंटा 10 या 15 मिनट लगाए हुए, तो मतलब स्पीड तो है इस गाड़ी की, और ये लंबे रूट से जा रही है, वो फिर भी छोटे रूट से जा रही है, तो टाइम सेविंग तो है। मैंने पहले बात बताई, आप जैसे हावड़ा से आ सकते हो वैसे ही पटना से कैसे 2 ट्रेन हैं, तो उस वजह से बेस्ट ट्रेन होने वाले हैं इन फ्यूचर। ये गाड़ी मुझे लगता है भर के जाएगी, वो मैंने पहले भी शुरुआत में बोला था। मैं जैसे आपके जो वर्कर्स लोग हैं वहाँ पर भी अगर आप देखोगे, वो भी अभी भी फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए हैं यार। मैंने देखी है वैसे एक्चुअल में इसका टाइमिंग कमर्शियल बेसिस पे 8:25 है, अभी इसने 8:15 मुश्किल से लगाया होगा, यानी इनॉग्रल टाइमिंग तो और भी कम हो गई है इसकी। चलो वो तो ज़्यादा रुकी भी नहीं और चली भी लेट थी ये वहाँ से, तो लखनऊ जंक्शन से तो मैं बाहर आ गया था उस साइड पे। अभी सीन क्या है, हो सकता है कि जो अभी जैसे देहरादून से लखनऊ आई है, सुनने में आ रहा था कि वो शायद वो गाड़ी वापस देहरादून जाएगी, तो उसमें हम लोग जा सकते हैं। और मैंने एक्चुअल में दुर्गियाना में बुकिंग भी करवाई थी, लेकिन अभी वो 2.5 घंटा लेट चल रही है, वैसे 2:30 आती है लखनऊ चारबाग, लेकिन सीन मुश्किल ही है उसका कि वो सुबह से पहले भी गाड़ी आ जाएगी। हाँ बाकी देखता हूँ, फिर कल ही पहुँचूँगा। बाकी मैं अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ से टैक्सी या रैपिडो वगैरह कुछ मिलता है करके चारबाग या एनआर वाले पहुँचते हैं, अगर वहाँ खड़ी भी मिल गई जा रही है उम्मीद करते हैं, तो उससे मैं मुरादाबाद तक तो जा ही सकता हूँ, मुरादाबाद कहीं ना कहीं तक मतलब पहुँचा ही देगी मेरे को, वहाँ से फिर मैं अपने आप चला जाऊँगा घर। मैं लखनऊ जंक्शन पर हूँ, रात के तो आई थिंक 11:50 हो रहे हैं, और 5 मिनटों में मेरी एक गाड़ी निकलेगी लखनऊ जंक्शन से चंडीगढ़ जाने वाली, लंबा रूट घूम कर जाएगी। तो मैं इसके में करंट मिली मैंने वही करवा ली। बताता हूँ हुआ क्या था कि मैं आया था यहाँ पे जल्दबाजी में, हम लोग 6:30 वहाँ से निकले थे वंदे भारत के चक्कर में, जो यहाँ से देहरादून वापस गई थी, निकल गई भाई वो गाड़ी, यहाँ से आधे रास्ते भी नहीं आए थे हम लोग, तो गाड़ी निकल चुकी थी, ऑटो में थे। तो मैं और एक लड़का था शशांक, तो हमने मेरे को इसमें करंट में मिली, तो मुरादाबाद तक इसमें करवा ली। मैंने कहा चलो मुरादाबाद तक तो जाएँ, वहाँ के आगे आगे किसी दूसरी गाड़ी में देखूँगा सुबह तक अगर मेरे को और कोई मिलती है। पीछे लोहित भी आ रही थी, 2.5-3 घंटा लेट थी, कि यही था इस जर्नी में, शुरू किया था वंदे भारत में,
ख़त्म लखनऊ जंक्शन पे कर रहा हूँ इस गाड़ी में। वैसे इस गाड़ी में ऑलरेडी जर्नी की है मैंने, जाते वक्त इसी में आया था लखनऊ, आगे जर्नी देखने को मिलेगी। तो यही था मेरी इस वंदे भारत इनॉग्रल जर्नी में, इसी वजह से ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। बाकी चलो अब आपसे नेक्स्ट किसी जर्नी में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।